ऑक्सीजन ओएस 11.0.2.1 फॉर द वन प्लस 7 एंड वन प्लस 7 प्रो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को बहुत ही लंबे समय के बाद एक और वन प्लस 7 और 7 प्रो का नया अपडेट स्टेबल का देखने को मिला है। इस नए अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि ये अपडेट पहले से बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि मच मोर यहाँ पर क्वालिटीज़ को फिक्स किया गया है। और उम्मीद करता हूं यही अपडेट आपको वन प्लस 70 और 70 प्रो डिवाइसेस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वन प्लस 7 और 7 प्रो पर आता है वही आपको वन प्लस 70 और 70 प्रो पर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ दिनों के अंदर ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल में क्या कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर रिड्यूस पावर कंजम्पशन जैसा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन के तौर पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ इशूज थे पावर कंजम्पशन को लेकर के, तो उसको फिक्स किया गया है। साथ में इम्प्रूव ओवरहीटिंग कंट्रोल मैनेजमेंट, यहाँ पर डिवाइस ओवरहीट होता था उसको फिक्स किया गया है। फिक्स द इशू ऑफ नॉट बीइंग एबल टू प्ले हाई डेफिनेशन वीडियो ऑन सम वीडियो प्लेटफॉर्म। अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर फुल एचडी का इशू आ रहा था, तो उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। फिलहाल में मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला था, अगर आपको मिला था तो हो सकता है वाइड वाइन का इशू था, वो यहाँ पर फिक्स हो गया है। इसी के साथ अपग्रेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज 2021.6, अब आपको जून मंथ का सिक्योरिटी पेज लेवल अपडेट देखने को मिल जाता है। फिलहाल में ये जून मंथ का देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पर जुलाई लास्ट वीक में आया है ये अपडेट, तो आपको एक मंथ पीछे का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिल जाता है। इसी के साथ फाइल मैनेजर को फिक्स किया गया है, ये एप्लीकेशन कभी कभी फोर्स क्लोज हो जाता था, क्रैश हो रहा था, उसको फिक्स किया गया है। कैमरा के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर ब्लर का इशू था, उस चीज़ को फिक्स किया गया है। जब हम लोग फुल स्क्रीन मोड में शूट कर रहे होते थे पिक्चर्स को, तो ऐसा वहाँ पर इशू आ रहा था, उस चीज़ को फिक्स किया गया है। साथ में फोन एप्लीकेशन की यूआई जो पहले से थोड़ी सी इशू आ गए थे, छोटी हो गई थी, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको डायलर पर कोई भी ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पर स्मॉल आइकन देखने को मिले या फिर कुछ और इशू देखने को मिले। तो ये सारा कुछ आपको इस अपडेट में फिक्सेस देखने को मिल जाता है। फिलहाल में कोई और नए फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं, तो ये अपडेट एक सिक्योरिटी अपडेट के तौर पर देखने को मिल जाता है और साथ में कुछ फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा भी देखने को मिल जाएगा। साथ में आप सिस्टम अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं, आपको लगभग 15 दिनों के अंदर ये अपडेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप अगर बात कर रहे हो वन प्लस 70 प्रो को कब मिलेगा, तो ये अपडेट आपको 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।